तो दोस्तों हमारे घर में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो पुरानी हो जाती है एंड हम क्या करते हैं उसे फेंक देते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पुराने चीज़ों को कैसे रीयूज करके सुंदर बनाया जाए। हे गाइज, वेलकम वंस अगेन, मैं हूँ स्वाति। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे एंड अपने लाइफ में बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। फुल वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। सो गाइज, मैंने एक ओल्ड ऑर्गेनाइज़र लिया है, मैंने एक प्लांटर लिया है, क्योंकि प्लांटर को हम लोग एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी ने इसको ख़राब कर दिया था, सो इसको मैं फिर से रीयूज़ करने वाली हूँ, रिक्रिएट करने वाली हूँ, मीन्स मैं इसका बनाने वाली हूँ प्लांटर। तो दोस्तों मुझे एक कमेंट्स आया था, उसमें पूछा था कि DIY का फुल फॉर्म क्या होता है। सो मीनू जी, मैंने आपका वो कमेंट रीड तो किया था बट मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकी थी। अगर आप मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, DIY का फुल फॉर्म है डू इट योर सेल्फ। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, 2 से 3 कोट दिए हैं जब तक कि अच्छे से इसमें कलर नहीं आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं ज़ूट्रोप का यूज़ कर रही हूँ एंड इसको स्टिक करने के लिए ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। यह स्टिक नहीं हो रहा था क्योंकि एक्रेलिक कलर यूज़ किया है तो वो एकदम, इसका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो गया था, तो स्टिक होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट मैंने जैसे ही तैसे उसको स्टिक किया। आप चाहे तो यू कैन यूज़ फेविकोल। मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक को भी स्टिक करने का कोशिश कर रही थी बट वो भी नहीं हुआ। दैट्स वाई मुझे यहाँ पर फेब्रिक ग्लू का यूज़ करना पड़ा। फेब्रिक ग्लू से बहुत अच्छे से एंड फास्टली स्टिक हो जाता है। सो मिरर को स्टिक करने के लिए मैंने यूज़ किया है फेब्रिक ग्लू, यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टिक हो गया था। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको पता ही है, अगर किसी को डिज़ाइन नहीं आती है, अगर आपको कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं आती है, सो फ्रेंड्स यू कैन मेक पोल्का डॉट और डॉट आप बना सकते हो, इजीली बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इजीली बन गया है। मैंने बस फ्रंट जो पोर्शन है वहीं पर बनाया है एंड यहाँ पर मैंने ग्रीन से भी डॉट बना लिए थे। सो गाइज, सुपर इजी DIY इज़ रेडी टू यूज़। आई मेड प्लांटर, ऑल्सो यू कैन यूज़ एज अ ऑर्गेनाइज़र। आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा फेड हो गया था। इसे मैं फेंक भी नहीं सकती हूँ बिकॉज यह मुझे मेरी शादी में मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। सो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये मेरे लिए कितना मीन्स की प्यारा है। सो इसको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ, मीन्स की इसको मैं रिक्रिएट या इसको कलरफुल बनाने वाली। सो गाइज, इनका जो बॉडी का पार्ट शो हो रहा है तो उसको मैं स्किन कलर दूंगी, मीन्स के स्किन एक्रेलिक कलर का यूज़ करूंगी। एंड जहाँ पर शो हो रहा है कि ये उनके क्लॉथ है, वहाँ पर मैं ऑरेंज कलर को थोड़ा सा वाइट कलर में मिक्स करके और लाइट ऑरेंज कलर बनाऊंगी, इस पर अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ स्पंज एंड ब्रश। क्योंकि मैं दोनों का यूज़ इसलिए करूँगी दोस्तों, क्योंकि स्पंज का जो काम है वह स्पंज करेगा एंड ब्रश का जो काम है वो ब्रश करेगा। सो यहाँ पर मैं 2 से 3 कोट करूँगी जब तक कि मुझे जो कलर चाहिए वो कलर नहीं आ जाता है तब तक। एंड इनका हेड है वैसे तो ब्लैक ही रहेगा बट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी गोल्डन कलर। तो मुझे गोल्डन कलर अप्लाई करने का मन कर रहा था, सो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है एंड इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगी। एंड
बुद्धा जी जिस पर लेटे हुए हैं ऑलरेडी वो ब्लैक है, बट आप लोग देख सकते हैं कलर उस पर गिर गया है। सो इसको मैं फिर से ब्लैक कलर से कलर कर दूंगी। आफ्टर ड्राई हमें इस पर वार्निश अप्लाई करना नहीं भूलना है, क्योंकि वार्निश अप्लाई करने से ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये मैंने वार्निश ऑनलाइन लिया है, अगर आप लेना चाहते होंगे तो इसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों दिस इज आवर लास्ट DIY एंड आल्सो वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज हम इसका बनाने वाले हैं की होल्डर। सो गाइज काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम थी, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बात करती हूँ, सो मुझे लगता है दोस्त आपकी जो प्रॉब्लम है इस वीडियो में सॉल्व हो गई होगी। सो गाइज इसको बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, इसको स्टडी बनाने के लिए 2 पीस मैंने कट किए हैं एंड दोनों पीस को मैंने ग्लू गन से स्टिक कर लिया था, क्योंकि बहुत फास्टली ये स्टिक हो जाता है। एंड इसके जो एजेस है उसको कवर करने के लिए मास्किंग टेप का यूज़ किया है। इन केस आपके पास मास्किंग टेप नहीं है सो यू कैन यूज़ न्यूज़पेपर आल्सो। यहाँ पर मैंने डार्क कलर का यूज़ किया है, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं एंड थोड़ा सा इसको लाइट बनाने के लिए स्किन कलर का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है जो बॉटल्स की कैप होती है वो मैंने यहाँ पर स्टिक की विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। सो गाइज ग्लू गन से बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है, ये सभी को ही पता चल गया होगा। एंड दोस्तों मेन बात आपको बता देती हूँ, जैसे कि दोनों कैप के बीच हमें डिस्टेंस कितना रखना है, इतना डिस्टेंस रखना है जिसमें कि हमारे की इजीली हैंग हो जाए और उसमें से निकले ना। इसको मैंने ड्राई होने दिया था कलर को एंड इस पर मैं एक मीन्स के आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ कीज़, आपको जो भी लगता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एंड वो ड्राई होने के लिए रख दिया है मैंने। यहाँ पर मैं की रिंग के लिए टैसल्स बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ एज अ की रिंग, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगल की रिंग होल्डर बनाने वाले हैं, की होल्डर बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर मुझे जितने चाहिए थे उतने मैंने बना लिए हैं। इसको स्टिक करने के लिए डबल साइडर टेप का यूज़ करना है बट मेरे पास नहीं है, इसी कारण मैं सेलो टेप का यूज़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारे सिंगल की होती है वो इजीली हैंग हो जाएगी एंड आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज दीज आर माई टूडेज DIY, डू मैंशन अबाउट एंड इफ़ यू लाइक DIYs देन सब्सक्राइब चैनल विद द नोटिफिकेशन बेल, लाइक शेयर कॉमेंट। मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।